तो आज के इस वीडियो में मैं मेरा स्टॉक सिलेक्ट करने का मेथड आपको बता रहा हूँ। तो मैं तीन मेथड यूज़ करता हूँ। उसमें से पहला एक मेथड है कि मेरी जो ये सारी की सारी लिस्ट फुल है और इस लिस्ट में सारे वॉलेटाइल स्टॉक है और ये एक नंबर की लिस्ट है। यहाँ पर सिर्फ निफ्टी 50 का स्टॉक है और कुछ जो छोटे मोटे स्टॉक है, लास्ट में 3-4 छोटे मोटे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ऐड किए हुए हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो लिस्ट है ये निफ्टी 50 की लिस्ट है, लेकिन मैं निफ्टी 50 के स्टॉक में ट्रेड नहीं करता क्योंकि वहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा नहीं मिलती। तो ये दो नंबर की लिस्ट है। यहाँ पर मैं डेली नए नए स्टॉक वॉल्यूम देखकर ऐड करता हूँ और वो वॉल्यूम मैं किस वेबसाइट पर देखता हूँ वो भी आज कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाला हूँ। और हम मेरा सेटअप मैं लाइव ही शेयर करूँगा कि मैं कैसा सेटअप बनता है, तो मैं कब सेल करता हूँ, क्या सेल करता हूँ, तो वो अब हम लाइव आपको ट्रेड लेकर ही मैं बताऊँगा। क्योंकि अगर मुझे मेरी वजह से किसी का बड़ा लॉस हो ये मुझे बात नहीं अच्छी लगेगी। तो ठीक है, हमने मार्केट में लॉस किया, लेकिन अगर कोई बिगिनर मार्केट में आ रहा है तो कम से कम उसको लॉस, अगर वो ट्रेड हमारा सेटअप सीखता भी है तो उसमें उसको प्रॉफिट भी हो और लॉस कम हो। इसी तरीके से मैं उसको सेटअप में ही थोड़ा परफेक्ट बनाएंगे, उस सिखाएंगे सिखाते वक्त। क्योंकि तो ये देखिए, ये दो नंबर की लिस्ट है। यहाँ पर स्टॉक ऐड होते हैं, डिलीट भी होते हैं और वॉल्यूम कम होता है। तो ये देखिए, ये सारी लिस्ट, तो आप मेरी ये लिस्ट देखकर आप भी अपने ज़ीरोधा में ये लिस्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी लिस्ट है, तो इसमें जब जैसे 3-4% का मूव मुझे किसी में दिखता है तो मैं उस स्टॉक को ऊपर ला कर रखता हूँ, उस स्टॉक को मैं ट्रैक करता हूँ। तो आपको भी ऐसा करना है। सबसे पहले तो आपको सारे वॉलेटाइल स्टॉक जिसमें वॉलेटिलिटी अच्छी है और इंट्राडे उसमें चालू है, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिसमें इंट्राडे अलाउड नहीं है, ऐसे स्टॉकों को आपको ऐड नहीं करना। तो हमें जिसमें इंट्राडे अलाउ है वही स्टॉक को ऐड करना है। तो अगर आपको भी लिस्ट चाहिए अच्छे वॉलेटाइल स्टॉक की, तो मैं एक PDF बनाकर हो सकता है मैं आपको एक लिंक दे, गूगल ड्राइव की लिंक दे दूँगा, अगर आपको भी यही ऐसी लिस्ट बनानी है। तो ये मेरी ऑलमोस्ट लिस्ट फुल है, ये मुझे कम पड़ रही है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। और जितने वॉलेटाइल और मेन स्टॉक है, अच्छी मूवमेंट होती है जिसमें, वो स्टॉक तो हमारे पास अवेलेबल है। तो ये हो गया हमारा पहला मेथड। तो इसी तरह से आपको करना है अच्छे अच्छे स्टॉक। कोई बोलेगा कि ये क्या कचरा ऐड करके रखा है, तो ये कचरा नहीं, ये हमें रोज़ पैसा देने वाली स्टॉक है। तो आपको भी इसी तरीके से ऐड करना है और बाज़ की तरह आपको नज़र गड़ाए बैठना है इस पर कि ये कौन सा स्टॉक कब मूवमेंट देता है और उसको ऊपर लाना है और उसको ट्रैक करते रहना है और हमारा लेवल देखते ही उसको सेल करना है। अगर आप बाइंग करते हो तो बाई करते हो। तो ये होगा एक मेथड। अब दूसरा मेथड, यहाँ पर मैं मनी कंट्रोल को सर्च करता हूँ गूगल में, मनी कंट्रोल की वेबसाइट ओपन होती है। तो इसमें हमें क्या देखना है, सिर्फ वॉल्यूम शॉकर्स पर हमें क्लिक करना है। तो यही मेरा असली मेथड है। इसी में और देखिए, यहाँ पर ये वॉल्यूम शॉकर जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर जिन स्टॉकों में अच्छा खासा वॉल्यूम आता है वही स्टॉक इस लिस्ट में ऐड होते हैं। और इसको आपको 15-20 या आधा घंटा आप इसको रिफ्रेश कर देखना है, इसमें कौन सा नया स्टॉक आ रहा है, कौन सा जा रहा है। तो क्या है, तो होता है इसमें जो नया स्टॉक आता है तो उसी इसको पहले हमें लिस्ट में ऐड करना है। और जैसे हमारे सेटअप में वो स्टॉक बैठता है सेल करने के लिए तो उसको सेल, या अगर बाय करने के लिए बैठता है तो बाय करना है। और दोस्तों, इक्विटी में पैसा बनाना है तो वॉलेटाइल स्टॉक में ही आपको पैसा बनेगा, नहीं तो वो 2 रुपये का 1 रुपये का मुंह देने वाले स्टॉक में आप ज़िंदगी भर कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए लोग बोलते हैं कि इक्विटी में पैसा नहीं, इक्विटी में पैसा है। अब ये मेरा तीसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह जाना है आपको, तो ये देखिए, यहाँ पर आपको मिड कैप सर्च करना है। पहले मार्केट डाटा में जाना है और इक्विटी मार्केट में ओपन करना है और निफ्टी 50 के यहाँ पर स्टॉक दिखेंगे, लेकिन आपको निफ्टी मिड कैप के ये वेबसाइट ज़्यादा तो प्रॉब्लम ही रहती है मेरे PC में, तो मैं इस पर ज़्यादा निर्भर नहीं हूँ। मैं तो ज़्यादातर मनी कंट्रोल यूज़ करता हूँ क्योंकि वहाँ पर जिसमें अच्छा खासा वॉल्यूम होता है वही स्टॉक भी दिखता है और उस वॉल्यूम से हम क्या करते हैं, तो उसमें हमें स्टॉक अच्छा खासा वॉल्यूम होने की वजह से स्टॉक में मूव भी अच्छा मिलता है।
तो दूसरा ये देखिए, यहाँ पर एक प्राइस शॉकर्स भी है, इसको आपको क्या करना है, पहले दिन अगर दूसरे दिन आपको कोई किसी स्टॉक में सेल करना है तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर जिन जिन स्टॉक में अच्छा खासा मूव हुआ है, अप मूव हुआ है 20-30%, तो मैं उसको भी ऐड करके रखता हूँ और उसमें जैसे मुझे डाउन साइड का सिग्नल दिखता है उसको सेल करता हूँ। तो इसी तरह से मैं ये मेरे सारे मेथड, जितने भी मेथड हैं, मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट किए हुए। और रही बात सेटअप की, तो सेटअप में आपको एक शुरू में एक आपको मैं सिंपल सेटअप देने वाला हूँ, तो उस सेटअप में आपका लॉस छोटा हो, रिस्क रिवॉर्ड उसका अच्छा है, और आप लॉस करें तो छोटी क्वांटिटी में शुरू में आपको प्रैक्टिस करना है, तो 100-200 का लॉस कीजिए और 300-400 को उसमें प्रॉफिट लीजिए। और वो सेटअप बार बार नहीं बनेगा, लेकिन ऐसे आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार स्टॉक को देखना पड़ेगा कि वो सेटअप किस स्टॉक में बन रहा है, और उसमें आपको ट्रेड लेना है, डरना नहीं। अगर आपको डर लगता है तो एक क्वांटिटी में करना है, क्योंकि क्या होता है, ऐसा करने से आपको कौन किस स्टॉक में ये सेटअप परफेक्ट वर्क करता है ये भी आपको बात चलेगी। और कुछ कुछ स्टॉक में ऐसे सेटअप अच्छे वर्क करते कि आप फ्यूचर में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में जाने की ज़रूरत नहीं, इक्विटी में पहले पैसे कमाएं और उसके बाद बैंक निफ्टी निफ्टी में सोचें।